तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पैर की क्या कंडीशन हो गई है। उस दिन मैं हल्दी में, मैंने कल का जो व्लॉग शेयर किया था ना, मैं घर पे आ रही थी और उन लोग के घर के बीच में ना फाटक है, मतलब आपको फाटक क्रॉस करके जाना पड़ेगा। और अभी क्या वहां पे ब्रिज का काम चल रहा है, यानी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पे, तो फिर हम लोग को ऐसे क्रॉस करके पूरा जाना पड़ता है। और उसी बीच में आ रही थी घर पे, 12:30 बज रहे थे आई थिंक, और उसी टाइम पे पूरा पैर मेरा ट्विस्ट हो गया और इतना ज्यादा पेन था कि मैं आपको क्या बताऊं। तो वही मैं हंस रही थी कि यार उस टाइम पे जब ऐसा हुआ ना, तो मुझे सबसे ज्यादा यही हुआ कि कल तो यार संगीत है, मैं नाचूंगी कैसे, सबसे ज्यादा टेंशन मुझे इस बात की हुई। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डे पहुंच गए हैं संगीत में, डीजे नाइट यहाँ पे बोलते हैं, तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। 11 को मैंने रेडी कर दिया था, वो जैकेट पहनने के लिए रेडी ही नहीं थी, मतलब ठंड थी पर वो जैकेट पहनने के लिए रेडी नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा चलो डांस वांस करिए तो ऑलरेडी बॉडी जो है वो हीट तो रहेगी, तो कोई टेंशन नहीं। कंटिन्यू, ये मेरी मौसी जी हैं यहाँ पे, कंटिन्यू 11 ने डांस किया है, कंटिन्यू यानी नॉन स्टॉप। जो भी लोग देख रहे थे ना, सब बोल रहे थे कि रश्मि तुम्हारी कमी वो पूरी कर दे रही है, तुमसे ज्यादा बेटर वो डांस कर रही है, सब बोल रहे थे। और 11 मेरी कितनी प्रिंसेस जैसे लग रही है। ये है ना इसका फ्रॉक जो है, ये मैंने इसके अन्नप्राशन के टाइम पे इसको इसके लिए लिया था, जब ये 6 महीने की थी तब। मुझे वही लगता है कि सबके जो है वो कपड़े बड़े छोटे हो जाते हैं, 11 के कपड़े बड़े होते जा रहे हैं, मतलब उसको अभी तक फिट आ रहे हैं आप सोचो। तो उसके बाद यहाँ पे सब गरबा वगैरह हो रहा था यार, मुझे इतना क्रेज है ना डांस का, इतना क्रेज है कि मैं आपको क्या बताऊँ। पिछले शॉर्ट्स में आपने देखा होगा मुझे, मतलब डांस का बहुत, मैं पागल हूँ डांस के पीछे, मुझे मुझे बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि मतलब मुझे मेरा कुछ वैसा है, मुझे पसंद है, मतलब इंजॉय करना ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर क्या करें, मजबूरी थी, यहाँ पे मैं खड़ी थी, एक जगह जा जा के बैठ जा रही थी, फिर खड़ी हो जा रही थी, मतलब मेरे से रहा नहीं जा रहा था कि मैं कैसे जाऊँ। पर मेरा पैर जो है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि मतलब मैं डांस कर ही नहीं पा रही थी, इसलिए मैं गई नहीं। क्योंकि प्रतीक मुझे बहुत चिल्ला रहे थे कि अगर अब जाओगे तो ज़्यादा कुछ हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रतीक का भी कहना सही था, क्योंकि उनको पता है कि इसको डांट के ही रोका जा सकता है, ऐसे तो जाएगी नहीं, ऐसे तो मानेगी नहीं। तो यही सब भी यार चल रहा है और बहुत है, अच्छा भी लग रहा है, इमोशनल भी है, क्योंकि घर की जो है वो सबसे छोटी बेटी अब है, मतलब ये जो ससुराल जा रही है, ऐसा अभी एक दो लोग हैं शादी करने के लिए पर ये छोटी है, मतलब तो थोड़ा है काका ताऊ में है, फैमिली में है, तो बहुत ठीक है। अभी शादी वादी तो यार होनी ही है, करना ही है लोगों को। और ये जो है ये है बच्चे पार्टी हमारे फैमिली मेंबर में, सब जो बड़े लोग हैं काका ताऊ लोगों के, उन लोग में हैं सब। और ये 11 का क्लिप देखिए, मैंने जो ऑनलाइन मंगाया था वो पहना हुआ है 11 ने, अब फिलहाल अच्छा है कि कैरी कर लेती है वो। पूरा डीजे नाइट का जो व्लॉग है वो आई थिंक 11 के ऊपर ही पूरा जाने वाला है, बिकॉज बहुत वो एंजॉय कर रही थी, तो मैंने सब शूट कर लिया कि उसके लिए भी एक मेमोरी हो जाएगी और हमारे लिए तो बटॉयस है ही। तो यहाँ पे वो उठा ले रही थी, बार बार हम मना कर रहे थे भाई गिर जाएगी करके, और मैंने उसको नीचे है ना ऐसे स्लैक्स पहना दिया था, लेगिंग्स जैसा, कि उसको ताकि बॉडी पूरा कवर रहेगी ना तो ठंड नहीं लगेगी। और ऊपर के लिए मैंने जैकेट लिया था इसका, पर इसने पहना नहीं। सोचो लड़कियों को, सही बात है, पार्टी फंक्शन में ठंड नहीं लगती। और देखो उसके एक्सप्रेशंस देखो, आख्या का काजल जो गाना है उस पर बकायदा कर रही थी वो। अभी मैं डाल दूँ गाने लेकिन फिर क्लेम आ जाएगा, इसलिए मैं साउंड डाल नहीं रही हूँ। तो यह सारा हमारा डीजे नाइट एंड मेरा जो फुल लुक है, मैंने ये नेट की साड़ी पहनी हुई थी, बहुत प्रिटी है, मैंने फ्रॉम स्क्रैच बनाया। अगर आपको चाहिए कि मैंने कैसे बनाया तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका फुल जो वीडियो है वो बनाऊंगी आपके साथ, बताऊंगी कि मैंने कैसे ब्लाउज रेडी करवाया, लेस वगैरह सब कुछ। ये मेरी साड़ी है आप देख सकते हैं, पूरा फुल लुक वगैरह यही बस आया है जो भी, क्योंकि मेरे पैर से हो ही नहीं रहा था, मैं जैसे तैसे खड़ी होकर 11 के लिए जा रही थी, क्योंकि वहां पर डांस कर रहे थे लोग तो लग जाएगा उसको, इसलिए। तो बस यही रहा आज का दिन, कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। हमने तो फिलहाल बहुत इंजॉय किया, इंजॉय किया यार मेरा तो ठीक है अभी, मतलब इंजॉय जैसा नाम का था, बस सब डांस कर रहे थे, मेरे को इतना इच्छा हो रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पे आ गए थे मामा जी और उठा लिया 11 को, ये देखो ऊपर, और बहुत चिल्ला रही थी कि मेरे को छोड़ो नीचे, मुझे डांस करना है। तो ये है इस तरीके से। और यहाँ पे ना इन लोगों को स्पेस बहुत अच्छी खासी मिल गई थी, मतलब डीजे वगैरह के लिए, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा खासा स्पेस। और मैं लास्ट में गई, देखो लैला, मैं लैला जो गाना है वो बज रहा था तो मेरे से रहा नहीं गया, फिर मैं गई, पर फिर यार बंद कर दिया डीजे वाले ने, मतलब इंसल्ट हो गई, इतनी बड़ी बेइज्जती किसकी होती है यार। ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे टाइम पे मेरे पैर का ऐसा कंडीशन होगा, लिटरली मैंने नहीं सोचा था। इतना वाहियात कंडीशन हुआ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे से प्रॉपर चला तक नहीं जा रहा है। साड़ी वाड़ी पहन के मैं लंगड़ी होकर चल रही हूँ यार, मैं क्या ही बताऊँ। वो इतना मतलब दुख रहा है, पूरा पंजा मेरे से रखा नहीं रहा है, तो मैं खड़ी एक जगह हूँ तो ठीक है, वरना अगर मैं चल रही हूँ तो एक एक पैर मैं उठा उठा के चल रही हूँ, ऐसा है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन है।
ये देखो हल्दी वगैरह सब कुछ लगाया था, हल्दी फिट करी सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया कि यार कितने जल्दी सही हो जाए, पर एक बट ऑफिस एक दिन में तो सही होने वाला है नहीं। फिर यहाँ पे प्रतीक स्प्रे लगा रहे थे कि स्प्रे लगा के फिर ये पापा को दिया गया था स्प्रे, तो कि मतलब उनके जो पैर के लिए दिया गया था तो ये स्प्रे लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है इससे, तो ये लगा के फिर प्रतीक पट्टे बांध रहे थे। तो मैं उनको बता रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे बांधो यार, बहुत हेल्प कर देते हैं प्रतीक, यानी बहुत ज़्यादा। फिर घर पे भी आने के बाद सारा काम मम्मी कर देती हैं, मतलब तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छा है, मतलब सारा काम तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, सब कुछ मम्मी कर लेती हैं। और प्रतीक का देखो मतलब रात को 1:30 बज रहा था, पर मैं मना कर रही थी कि चलो सो जाते हैं, लेकिन प्रतीक का नहीं कि ये सब करके सो तो सुबह तक आराम हो जाएगा तुमको, ऐसा। देखो यार हस्बैंड हो तो ऐसा, और बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बहुत केयर करते हैं यार। तो बस कैसा लगा आपको ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।